गोगांव ने संयुक्त कार्रवाई करके एक जमीन को खाली करा दिया। इस जमीन पर कुछ लोगों ने खोखा रखकर व्यापार जमा कर रखा। अधिकारियों की इस कार्रवाई के बाद कार्रवाई पर एक समुदाय के लोगों ने जबरिया रुख अपनाने का आरोप लगाया। पूरा मामला बेवर थाना क्षेत्र के जीटी रोड स्थित कब्रिस्तान के पास का है। यहाँ कुछ लोग लकड़ी का खोखा रखे हुए थे। इस जमीन को एसडीएम भोगांव, सीओ भोगांव प्रियांक जैन पुलिस बल के साथ मिलकर खाली करा दिया। जेसीबी से सारे खोखों को हटवा दिया गया। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद इस कार्रवाई पर सवालिया निशान लगने शुरू हो गए। एक समुदाय के लोगों ने चेयरमैन पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाते हुए तानाशाह रवैया अपनाने की बात कही है। इन लोगों का कहना था कि नगर पंचायत चेयरमैन सुनीति भाटिया ने बिना किसी पूर्व सूचना के गरीबों की दो वक्त की रोटी का साधन लकड़ी के खोखे ही तोड़वा दिए। वहीं इस संबंध में वक्फ कमेटी के अध्यक्ष हाफिज जिलानी का आरोप है कि चेयरमैन को पहले खोखे हटवाने के लिए सूचना करनी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कई लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। नगर पालिका वो आपका प्रस्थान जमीन में डूब दिए तो भटेंगे, ठीक है, आप इसको हटा दीजिए और उसके बाद जिसकी जमीन है उसको नाप के आप। तो सर ऐसा है कि हमें कल तक का टाइम है, सात दुकानें मांग रहा है, पीछे खड़े हो जाते तो मुझे जानकारी नहीं हुई है सर। कौन मांग रहा है? हमारा वो खजांची और रिफाकत अली और वो अध्यक्ष जीरानी, गुलाम हाफिज जीरानी, अधिकारी वगैरह भी आए हुए। हाथ जोड़ लें, कल तक हटवा देंगे हम इसको। हमें हद कायम करते हैं तो कैसे हटवा दिए, नाला खुलवा दिया मानी का। अब वो नहीं टाइम दे रहे, ना एसडीएम साहब दे रहे हैं और ना वो दे रहे हैं क्या नाम जीओ साहब, ना सीओ साहब दे रहे हैं। नहीं अभी हटेंगे, पैमाज साहब हो सकती नहीं हो सकती। ये बताइए प्रशासन किसी के दबाव में काम कर रहा है ऐसा लग रहा है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है जब हाथ छोड़ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री चेयरमैन ने माना नहीं, तो चेयरमैन अपना चाह रहा है इसको। कब्रिस्तान में सारी कब्र बढ़ रही है। अरे यहाँ देख लो कब्रें बराबर है, पैमाइश करी जाए कब्र बिल्कुल बराबर में है। वो कब्रों के आगे दुकानें बना के जो देना चाह रहा है। तो ये किसके दबाव में अतिक्रमण हटाया जा रहा है? ये चेयरमैन के दबाव में। चेयरमैन कह रहा हम इलेक्शन जीत गए हैं, चेयरमैन कह रहा हम जो है वो जीत गए हैं मुकदमा, और यहाँ कोई चेयरमैन से मुकदमा नहीं है। करोड़ों रुपए की संपत्ति हड़पना चाह रहा है। कोई निजी स्वार्थ नहीं, न मेरा किसी से पैसा। जो अवैध रूप से यहाँ पे अतिक्रमण किए हुए थे, यहाँ के कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अवैध वसूली भी उनसे की जा रही थी। इंतजामिया कमेटी ने भी उन कुछ लोगों के नाम पूर्व में एसडीएम साहब को लिख कर दिए थे कि इन लोगों के द्वारा बांध के खोखों से अवैध वसूली की जा रही है। इस पर मेरा भी ये था कि मैं अवैध वसूली नहीं होने दूंगा। दूसरा ये कि जो इंतजामिया कमेटी और नगर पंचायत से जो मुकदमे चल रहे थे, एक मुकदमा सिविल कोर्ट में अंतरिम चल रहा था जिसे इंतजामिया कमेटी ने अपना स्वतः वापस लिया। मेरी तरफ से उससे ऑब्जेक्शन भी हुआ कि ये मुकदमा अभी जो है वो फाइनल नहीं हुआ है, तो कोर्ट ने ये कहा कि ये बिना शर्त के ये मुकदमा वापस ले रहे, जबकि मेरा उसमें जो है जवाब लगा है कि मैं अपनी जगह पे पूर्ण कब्जा करूंगा और किसी कीमत पे कब्जे को नहीं रहने दूंगा। उसके बाद जिन लोगों ने अभी अतिक्रमण किया हुआ था कितने एक एकड़ से अधिक जगह है और मौके पर जो है बहुत ज्यादा जगह है। बता रहे हैं कि अभी तक पैमाइश भी नहीं हुई और आप पैमाइश तो कई बार हो चुकी है यहाँ पे। पैमाइश तो जो है पूर्व में भी कई बार हो चुकी है, लेकिन यहाँ के अतिक्रमणकारियों के कारण और कुछ अराजक तत्वों के जो है उनको बदस्त प्राप्त था, इसके कारण ये यहाँ पे अभी तक अतिक्रमण नहीं हटा। कुछ एक समूह दुकानदार के होने के नाते हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं साहब, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पाल लोग भी हैं, एक गुप्ता परिवार भी है, एक ठाकुर साहब भी हैं। ऐसा नहीं है कि इस गिनती में कोई अन्य व्यक्ति नहीं हो, ऐसा नहीं है। ना मेरा कोई द्वेष है, मैं इनके लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। और जो दुकानदार जो अपनी जगह से हटे हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा कहीं ना कहीं इनको जो है स्थापित कराने का पूरा संकल्प ले रहा हूं। अच्छा, ये हटने के बाद में क्या नगर पंचायत अपनी कोई नया प्रस्ताव बनाई या नया ये बोर्ड के